बोल के लब आजाद है तेरे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ अहम मुद्दों की। मुद्दा नंबर एक, जोमैटो को लेकर एक फूड डिलीवरी ऐप यानी कि आपके घर तक खाना पहुंचाने वाले एक ऐप को लेकर भक्तों में बेतहाशा गुस्सा, उसे बॉयकॉट तक करने की अपील की। आपको याद होगा इसी तरह से सर्फ एक्सेल और स्नैपडील को भी लेकर इनका गुस्सा फूटा था। साथ ही हम बात करेंगे कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या की और उनका सुसाइड नोट और इसके भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या परिणाम है, ये सब। मगर आगाज करना चाहेंगे जोमैटो विवाद से। दोस्तों, जोमैटो क्या है? जोमैटो एक फूड डिलीवरी ऐप है, यानी कि आप अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जोमैटो आपके घर तक वो खाना पहुंचाता है। हुआ ये कि जबलपुर का रहने वाला ये शख्स अमित शुक्ला जोमैटो के जरिए ऑर्डर करता है और जब उसे यह पता चलता है कि उसके घर तक खाना पहुंचाने वाला शख्स एक मुसलमान है तो वो जोमैटो से यह कहता है, जैसे कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोमैटो को वो कहता है, कैन यू चेंज द राइडर, यानी कि क्या आप राइडर जो मुझे खाना दे रहा है उसे बदल सकते हैं। जवाब में जोमैटो कहता है, हे अमित, हाउ आर यू, मे आई नो व्हाट इज द इश्यू, क्या मुद्दा है। जवाब में ये शख्स कहता है कि श्रावण चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान मुझे खाना दे। जोमैटो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, मगर यह शख्स यहां पर नहीं रुकता। वो अपनी इस नफरत का प्रचार ट्विटर पर भी करता है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर उसका नफरत भरा ये ट्वीट कहता है कि मैंने अभी अभी जोमैटो का एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो एक गैर हिंदू राइडर को मेरे घर भेज रहे थे मेरे खाने के साथ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर जोर नहीं लगा सकते इस ऑर्डर को लेने के लिए। यह शख्स यह भी कहता है, जो नमो सरकार के नाम से जाना जाता है ट्विटर पर, वो यह भी कहता है कि मैं अपने लॉयर्स से, अपने वकीलों से बात करूंगा। जवाब में जोमैटो ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। जोमैटो ने कहा कि खाने का कोई मजहब नहीं होता, खाना खुद मजहब होता है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। जो इनके संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल, वो अपनी तरफ से एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। दीपेंद्र गोयल कहते हैं, हमें गर्व है भारत के विचार पर, द आइडिया ऑफ इंडिया, और हमें गर्व है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं और हमारे कस्टमर्स हैं उनमें जिस तरह की विविधता, जिस तरह की डाइवर्सिटी है। हम अपने मूल्यों के लिए अपने बिजनेस तक को कुर्बान करने को तैयार हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जोमैटो को उबर ईट्स का भी समर्थन मिला, जो कि इस ट्वीट से स्पष्ट हो रहा है। मगर नतीजा क्या हुआ दोस्तों? इस मुद्दे को लेकर एक बवाल आ गया ट्विटर पर। ट्विटर पर दो ट्रेंड्स होने लगे। पहला, आई सपोर्ट अमित, यानी कि उस शख्स के समर्थन में जिसने अपनी नफरत का इजहार किया, और दूसरा, बॉयकॉट जोमैटो, यानी कि जोमैटो को बॉयकॉट करो। यही नहीं, इस मुद्दे पर कुछ बीजेपी नेता जो हैं वो मैदान में उतर आए। बिजयंत पांडा क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त? जोमैटो इज राइट टू डिनाई अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट फॉर अ डिलीवरी पर्सन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, बट रॉन्ग टू क्लेम इट डजंट मिक्स रिलीजन विद फूड। इट फसेस ओवर रिलीजियस क्लाइंट्स हलाल जैन फूड, क्यूरियस इफ इट डज फॉर ऑल, एग्जाम्पल अ रिलीजियस सिख वॉन्टिंग नॉन हलाल मीट। बैजयंत पांडा ये कहते हैं कि ठीक है, अगर धर्म के आधार पर किसी ने ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश की तो जोमैटो ने बहुत अच्छा किया उस ऑर्डर को कैंसिल करके, मगर जोमैटो ने इससे पहले धर्म के आधार पर खाने पर भेदभाव जरूर दिखाया है। यही नहीं, एक और मोहतरमा है मधुकेश्वर, वो क्या कहती हैं वो भी देखिए। इफ फूड डजंट हैव एनी रिलीजन, वुड यू डेयर टू सप्लाई झटका मीट डिशेस टू मुस्लिम्स? अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो क्या मुसलमानों को झटका मीट देंगे? डू यू हैव एनी सिस्टम ऑफ अश्योरिंग सिक्स एंड हिंदू कस्टमर्स दैट दे आर गेटिंग झटका मीट नॉट हलाल? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप बता सकें हिंदुओं और सिखों को कि उन्हें झटका मीट मिल रहा है हलाल नहीं? व्हेनेवर आई वाज दिस क्वेश्चन बिफोर ऑर्डर,
आंसर हैज बीन शीपिश, मुझे कभी भी इस मुद्दे का सीधा जवाब नहीं मिला। सबसे पहले तो दोस्तों कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ज़ोमैटो खाना नहीं बताता, वो खाना डिलीवर करता है। जिसे भी झटका मीट चाहिए या हलाल मीट चाहिए, मसलन अगर आप ये ट्वीट देखें, यहां पर एक मुसलमान कह रहा है कि साहब मुझे आप झटका मीट नहीं, आप हलाल मीट दीजिए, उसे पता होना चाहिए या किसी हिंदू को भी पता होना चाहिए कि अगर आपको झटका मीट चाहिए, अगर आपको हलाल मीट चाहिए तो आप एक मुस्लिम होटल से अपना फूड ऑर्डर करें, अगर आपको झटका मीट चाहिए तो आप किसी हिंदू होटल से अपना फूड ऑर्डर करें। दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर एक, जैसे कि मैंने बताया कि ज़ोमैटो खाना नहीं बनाता, वो खाना डिलीवर करता है, यानी कि एक डब्बे वाला जैसा है। और जिन लोगों को अब भी नहीं समझ आ रहा, ज़ोमैटो आपकी मम्मी नहीं है, आपका बावर्ची भी नहीं है कि मम्मी मुझे ये बना दो, मुझे खाना ऐसे बना दो। नहीं भैया, वो एक फूड डिलीवरी ऐप है। अगर आपको हलाल मीट चाहिए तो एक मुस्लिम होटल से ऑर्डर करें, समझे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमित शुक्ला और मधु किश्वर और बीजेपी नेता बिजेंद्र पांडा क्या गलत कह रहे हैं। अमित शुक्ला जैसे लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि एक मुसलमान मेरा खाना लेकर आ रहा है इसलिए मुझे खाना नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर भेदभाव, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और सबसे शर्मनाक बात यह कि इस अमित के शख्स में ट्विटर ने आंदोलन कर दिया, आई सपोर्ट अमित। अब मैं इस अमित शख्स की हकीकत आपके सामने इन दो ट्वीट्स के जरिए पेश करना चाहूंगा आपके मद्देनजर। हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कर्डाजिया का यह ट्वीट है, इसमें यह अमित शुक्ल कह रहे हैं, यू कैन बी सेलेब इफ यू हैव अ गुड। बहुत अच्छे। अब इनका एक और ट्वीट देखिए, यह ट्वीट है इनका तस्लीमा नसरीन के जवाब में। तस्लीमा नसरीन जो कि एक लेखिका हैं, वो कह रही हैं, व्हेन आई वाज अ रिसर्च स्कॉलर एट केनेडी स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके जवाब में ये शख्स, जिसके समर्थन में पूरा भक्त समुदाय और बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया इनके समर्थन में, वो क्या कह रहे हैं, वेल आई विल से इफ यू हैव ग्रेट होप यू लाइक माई कॉमेंट। मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब कठुआ में गैंगरेप हुआ था तो उन बलात्कारियों के पक्ष में किस पार्टी के समर्थक मैदान में थे। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब भक्त बिरादरी ने इस तरह से किसी ब्रांड को टारगेट किया है। आपको सर्फ एक्सेल का ये एड याद है? जी हां, यही एड। इसमें आपको याद होगा किस तरह से एक लड़की, होली का माहौल है, एक छोटी सी लड़की अपने साइकिल में आती है और वह अपने दोस्तों को यह चुनौती देती है कि तुम मुझे गुब्बारे मारो। उसके तमाम दोस्त उसे गुब्बारे मारने लगते हैं। जब उनके गुब्बारे खत्म हो जाते हैं तब वो एक छोटे से मुसलमान लड़के को कहती है, अब आजा, अब गुब्बारे खत्म हो गए, रंग खत्म हो गए। वो उसे मस्जिद तक छोड़ के आती है और कहती है, जब तू वापस आएगा ना तो रंग पड़ेगा। इस एड के खिलाफ लोगों की जहनियत देखिए, सोच इतनी घटिया है, उन्होंने इसे लव जिहाद तक का नाम दे दिया था। दो मासूम बच्चे, नतीजा यह हुआ कि कुछ नासमझ भक्तों ने गूगल ऐप में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका कोई नाता नहीं है सर्फ एक्सेल के साथ, उसकी रेटिंग कम कर दी। यानी कि इन लोगों को यह भी नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह से आपको याद होगा स्नैपडील वाला विवाद। स्नैपडील विवाद में क्या हुआ था दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में आमिर खान ने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए कहा था कि मेरी पत्नी में इस वक्त इतना खौफ है कि वो सोच रही कि क्या हमें अपने बच्चों की परवरिश विदेश में करनी चाहिए। नतीजा यह हुआ कि पूरे की पूरी बीजेपी आमिर खान के पीछे पड़ गई और फिर आमिर खान को बतौर ब्रांड एम्बेसडर स्नैपडील हटा दिया गया। अरविंद गुप्ता, जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख थे, इस किताब के मुताबिक, स्वाति चतुर्वेदी की किताब आई एम ट्रोल के मुताबिक, खुद साध्वी खोसला जो कि बीजेपी आईटी सेल की मेंबर थी, उन्होंने बताया कि बाकायदा अरविंद गुप्ता ने पूरी आईटी सेल को मैसेजेस भेजे थे
और कहा था कि स्नैपडील की रेटिंग को कम करो और टारगेट करो स्नैपडील को। मगर हकीकत तब सामने आई जब मरहूम मनोहर पर्रिकर ने पुणे के एक फंक्शन में इस बात की तस्दीक की कि हमने आमिर खान को कैसे सबक सिखाया था। अहंकारी आमिर खान, अहंकारी स्नैपडील को हमने सबक सिखाया था और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। याद है उन्होंने क्या कहा था? हाउ डज समवन डेयर टू टॉक अबाउट ईल ऑफ दिस कंट्री? कोण देशाच्या विरुद्ध कोण बोलू शकतो त्याला गट्स कसे येतात? इफ एनीवन स्पीक्स लाइक दिस ही हैज टू बी टॉट अ लेसन ऑफ हिज लाइफ। विडंबना यह है दोस्तों कि जो मीडिया, जो टेलीविजन चैनल्स अपने प्राइम टाइम में लगातार हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले मुद्दे उठाते रहते हैं, अब वो नींद से जागे हैं। मसलन ये देखिए, ये कार्यक्रम जो चलाया गया एक बड़े न्यूज चैनल पर, जो कहता है कि हे भगवान, खाने में भी हिंदू मुसलमान। हां हुजूर, जब आप भगवान का नाम ले लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करोगे तो समाज में और क्या संदेश जाएगा। अब ये दूसरा देखिए, फूड डिलीवरी पोर्टल Zomato रिजेक्ट्स बिगेट्री, सेटिंग न्यू बेंचमार्क फॉर न्यू इंडिया, कॉल्स आउट इंटॉलरेंस, कस्टमर रिफ्यूजेस डिलीवरी बाय मुस्लिम राइडर, Zomato शेम्स बिगेट, इट्स टाइम टू शेम हेट मॉन्गर्स, इट्स टाइम टू शेम हेट मॉन्गर्स। नफरत फैलाने वालों को शर्मिंदा करना होगा। सबसे पहले आप लोग खुद शर्मिंदा होइए, इस देश की मीडिया और इस देश की आम जनता। हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आपको? सवाल किसी Zomato, स्नैपडील या सर्फ एक्सेल को लेकर नहीं है, सवाल देश की अर्थव्यवस्था को लेकर है। आप अगर देश में ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो आप खुद बताइए ना, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर आकर इस देश में निवेश करेगा? कौन कहेगा कि मुझे इस देश में जाकर अपना पैसा लगाना है, उस देश में जहां पर इस तरह का माहौल है? और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा मुद्दा है, कैफे कॉफी डे, जी हां, उसके संस्थापक ने आत्महत्या कर ली है। और यह भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही गंभीर संदेश दे रहा है, क्योंकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने तीन चीजों का जिक्र किया है। पहली बात प्राइवेट इक्विटी पार्टनर, दूसरा कर्जदार और तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अभी से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही कि क्या टैक्स टेररिज्म के चलते उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों बताने वाला हूं कि टैक्स डिपार्टमेंट ने किस तरह से वीजी सिद्धार्थ को टारगेट किया जिसके चलते उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अपने सुसाइड नोट में वीजी सिद्धार्थ लिखते हैं, इनकम टैक्स के पिछले डीजी ने मुझे बेतहाशा परेशान किया। हमारे माइंड ट्री सौदे को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने दो मौकों पर हमारे शेयर्स अटैच कर दिए। यह अन्याय है जिसके चलते कंपनी में जबरदस्त पैसे की कमी हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से इन पॉइंटर्स के जरिए कि मामला दरअसल कैसे टैक्स टेररिज्म का बनता है। सितंबर 2017 जब इनकम टैक्स विभाग यह घोषणा करता है कि कैफे कॉफी डे ने करीब 650 करोड़ की आय जाहिर नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की, उनके घर और अन्य जगहों पर करीब 20 जगहों पर छापे। मगर जब ये छापे मारे जा रहे हैं तो आपको एक जानकारी मालूम होनी चाहिए, वीजी सिद्धार्थ के ताल्लुकात कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार से हैं। वो डीके शिवकुमार जिन्होंने कम से कम एक बार जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिरने से बचाई थी। टारगेट सिर्फ सिद्धार्थ नहीं हो रहे थे, उनके जरिए डीके शिवकुमार भी हो रहे थे। यही सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के ओनर अगर बीजेपी के करीबी होते तो मजाल है किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके घर पर रेड मारी होती। अब आगे बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे मगर खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद वो अपने कर्जे को चुकाने के लिए माइंड ट्री में जो उनके तमाम स्टेक्स थे, तमाम शेयर्स थे, उसे बेचने की कोशिश करते हैं। मगर इनकम टैक्स विभाग क्या करता है? इनकम टैक्स विभाग उनके माइंड ट्री में करीब जो 75 लाख शेयर्स हैं उसे अटैच कर देता है, एक तरह से उसे जब्त कर देता है। यही नहीं, अगले ही महीने उन्हें एक और टैक्स नोटिस मिलता है और उसके अंतर्गत कैफे कॉफी डे में उनके जो 46 लाख शेयर्स हैं उसे भी अटैच कर दिया जाता है। नतीजा,
वीजी सिद्धार्थ के लिए जो तमाम कर्जा है ना, उसे चुकाना असंभव हो जाता है, क्योंकि जब आप उनके हाथ बांध दें और कुछ भी ना करने में वो समर्थ ना रहें, तो जाहिर सी बात है वो अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि इनकम टैक्स का जो केस हो वीजी सिद्धार्थ के खिलाफ वो जायज हो, वो जेन्युइन हो, मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, अगर वीजी सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी के करीबी होते तो क्या उन पर रेड पड़ने की कोई हिम्मत भी करता? सवाल नंबर दो, इन पर गौर कीजिए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब सत्ता के करीबी रहे, ये लोग कितनी आसानी से हमारा पैसा लेके विदेश उड़ गए, इनका बाल तक बांका नहीं हुआ। और नीरव मोदी तो बाकायदा उस ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा थे। इस फोटो अपॉर्चुनिटी को देखिए, इस तस्वीर में वो बाकायदा दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए। और मेहुल चौकसी को तो भाई का दर्जा देते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहने का क्या अर्थ है, अगर आप सत्ता के करीब हो तो आपको कोई नहीं छुएगा। बोल के लब आजाद है, मैं बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम का मकसद यही था दोस्तों, कि जो माहौल है उसके चलते देश को बर्बादी की तरफ ढकेला जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है, और इसका सीधा असर आपकी और हमारी रोजी रोटी पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, गैस नहीं जलेगा, तो हाहाकार तो मचेगा ही ना।